आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा कैसे है, ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स एंड दिस इज आवर जी एक्स। ठीक है, तो हमारे दो है, दैट इज एफ एक्स एंड जी एक्स, जस्ट वी विल राइट साइड बाय साइड। तो हमारा क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू, दिस इज आवर एफ एक्स। और जी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा आ गया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स को 0 करना है। तो हमारा क्या आएगा, जी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 राइट में गया तो 1। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, प्लस माइनस रूट 1। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपके दो एक्स आ गए, दैट इज वन इज प्लस 1 एंड वन इज माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन आवर मेन पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ जी एक्स डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, देन वी शुड गेट आवर आंसर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वन बाय वन वी विल पुट इट। तो प्लस 1, तो एफ एक्स इज 1, एफ 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4, दैट मीन्स 1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस पी एक्स क्यू, दैट इज पी 1 टू द पावर ऑफ क्यू प्लस 2x स्क्वायर, दैट इज 2 1 टू द पावर ऑफ स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 4 इज 1 प्लस 1 टू द पावर ऑफ क्यूब इज 1, 1 इंटू पी इज पी। ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो क्या आ गया आपका प्लस 2। हियर माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 प्लस क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, जस्ट सी पी एंड क्यू को हम दोनों को साइड में फर्स्ट लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज राइट साइड। तो हमारा क्या आएगा, पी प्लस क्यू, नाउ 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो क्या हो गया आपका प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो नाउ अब ये इक्वेशन हमारी कैसे आ गई, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, टेक दिस स्टेटमेंट एज 1। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, माइनस 1, माइनस 1 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो अब क्या हो गया हमारा, एफ माइनस 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 इज माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4
plus p x cube plus p x cube is minus 1 cube, ठीक है, plus 2 x square, तो क्या आ गया आपका 2 and minus 1 square and minus 3x, minus 3x is minus 1 plus q, this is equal to 0, सेम, ठीक है. नाउ अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू द पावर ऑफ 4, इवन इज प्लस, तो हमने प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 है ना, 1 टू द पावर ऑफ 4 इज 1. नेक्स्ट माइनस क्यूब इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 1 क्यूब इज 1, 1 इंटू पी इज पी. नेक्स्ट माइनस वन स्क्वायर इज प्लस वन, प्लस वन इंटू प्लस टू इज टू. नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस इज प्लस, थ्री इंटू वन इज थ्री, प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब P एंड Q को साइड बाय साइड लिखते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं, हमारा आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है. नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ 6 को हम राइट साइड में लेकर आते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, प्लस सिक्स राइट साइड में माइनस सिक्स. नाउ दिस इक्वेशन इज अवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जस्ट देखो यहां पी है, यहां माइनस पी है, ठीक है, तो एड वन एंड टू, एड वन एंड टू, वन एंड टू, वी गेट, क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट साइड वाले दोनों को प्लस करो, राइट साइड वाले दोनों को प्लस करो, तो आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू इज फर्स्ट वन, सेकंड वन का क्या है माइनस पी प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स, जीरो माइनस सिक्स, ठीक है. नाउ यहां पर देखोगे आप पी है एंड माइनस पी गेट कैंसल्ड, तो क्यू प्लस क्यू इज टू क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो क्यू कितना हो गया आपका, क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय टू, रिड्यूस इट तो वन एंड थ्री, तो आपकी Q की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री, Q की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री, ठीक है. सेकंड आपको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनीवन, एनीवन, ठीक है. तो हम क्या करेंगे वन में, तो सब्स्टिट्यूट इन वन, सब्स्टिट्यूट इन वन, तो क्या होगा आपका p प्लस क्यू इज माइनस थ्री, माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो, तो p माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ गई, p इज इक्वल टू माइनस थ्री, राइट में गया तो थ्री, ठीक है, q इज माइनस थ्री, p इज थ्री, आपकी वैल्यू आ गई.